हेलो क्लास दिस इज क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर देखो मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर है और जितने भी होल नंबर है वो सारा इंटीजर्स है और जितने भी इंटीजर्स है वो सब रेशनल नंबर है ठीक है तो सारा होल नंबर इंटीजर है ट्रू एवरी इंटीजर रेशनल नंबर है ट्रू जीरो होल नंबर राइट जीरो एक होल नंबर है सही है बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर यह एक रेशनल नंबर नहीं है नो जीरो इज़ रेशनल नंबर जीरो इज ए रेशनल नंबर देर ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है ओवरऑल दे गया फॉल्स स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड क्या है यह नंबर लाइन है हम लोग सेंटर में कहीं पर एक रिफरेंस पॉइंट जिसे हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं जीरो के राइट right साइड में पॉजिटिव नंबर लिया जाता है एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये निगेटिव नंबर है निगेटिव नंबर लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ट्रू निगेटिव नंबर लेफ्ट टू द जीरो जीरो से ये लेफ्ट में है ये भी निगेटिव नंबर है लाइज टू द राइज लाइज टू द राइट ऑफ जीरो गलत है माइनस तो इस साइड आएगा द रेशनल नंबर वन बाई एंड माइनस फाइव बाई टू और जीरो ऑन द नंबर लाइन वन बाई थ्री पॉजिटिव है पॉजिटिव इस साइड आएगा एंड माइनस फाइव बाई टू निगेटिव है वो इस साइड आएगा तो दोनों जीरो के ऑपोजिट साइड से इसलिए ये ट्रू है रेशनल नंबर माइनस एटीन बाई माइनस थर्टीन ये क्या है पॉजिटिव है या निगेटिव है दिस इज पॉजिटिव माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा एटीन बाई थ्री और ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है पॉजिटिव रेशनल नंबर जीरो के राइट में होना चाहिए यहां पर लेफ्ट दिया हुआ इसलिए ये फॉल्स है यस और नो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है या फिर इसका आंसर होगा वो आंसर देना है हमें विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स अगर आपको याद है तो ओके जस्ट डू इट बाई योर सेल्फ एल्स हमने क्या देखा था एडिटिव इनवर्स में कि वैसे नंबर जिसके निगेटिव से एड कर दो तो वो जीरो होना चाहिए जैसे वन को हम लोग कितने से जोड़ेंगे कि ये जीरो आएगा हम लोग अगर ऐड कर दे इसी के निगेटिव नंबर से तो जीरो आएगा तो वन और ये माइनस वन दोनों अलग नंबर है टू प्लस माइनस टू ये अलग नंबर है दोनों लेकिन जीरो को अगर हम लोग जीरो से भी ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा तो हम लोग क्या देख रहे दोनों सेम है एडिटिव भी इसका जीरो ही है प्लस और माइनस कुछ भी नहीं जीरो का जीरो है टू का माइनस टू हो गया तो ओन इट्स ओन ओके देखो विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स अपना ही है तो वो केवल जीरो होगा इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर यस आप कोई सा भी नंबर ले लो आइर टू टू भी रेशनल नंबर है एंड वन वन भी रेशनल नंबर है दोनों को सब करोगे तो वन वन भी एक रेशनल नंबर है, इसको, इन लोगों को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं ओके तो ये यस इज एडिशन कॉम्बेटिव ऑन रेशनल नंबर ये टेबल हमने पढ़ाया था आपको थ्योरी क्लासेस में ये एक समराइज करके मैंने एक टेबल में लिखा था ओके आर यू गेटिंग इट और नॉट इफ नॉट गो टू द थ्योरी एडिशन क्या है कॉम्बिटेटिव है तो एडिशन देखो कॉम्पिटेटिव यस yes. ये है सब्ट्रैक्शन फोर्थ इज एडिशन एसोसिएटिव एडिशन एसोसिएटिव यस इज सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव सबट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव नो इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नो वट इज द निगेटिव वट इज द निगेटिव ऑफ ऑफ मीन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए निगेटिव नंबर माइनस प्लस होता है तो so, क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा और नंबर जो था वही आ गया वॉट इज द निगेटिव ऑफ ए निगेटिव रेशनल नंबर रेशनल नंबर हम लोग करते हैं यहां पर टू निगेटिव ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा टू निगेटिव ऑफ है निगेटिव ऑफ है निगेटिव रेशनल नंबर दिस इज माइनस ऑफ इनटू माइनस टू तो जो नंबर हमने लिखा था टू लिखा था वही आ गया मैंने नंबर इट सेल्फ आ गया ओके ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी मैं थ्योरी में सब कुछ कवर कर चुका हूं फिर भी लेट्स रिवाइज वंस मोर द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर सपोज करो हमने लिया टू बाय नाइन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा नाइन बाय टू दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा वन आएगा देयरफॉर आंसर विल बी वन जीरो हैज नो रेसिप्रोकल जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा अगर वन बाई जीरो करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड होता है ये मैं थ्योरी क्लासेस में कवरअप कर चुका हूं द नंबर आर देयर ओन रेसिप्रोकल ये नंबर है देखो टू का रेसिप्रोकल क्या होता है वन बाई टू तो दोनों अलग अलग है वन का रेसिप्रोकल क्या होगा वन ही होगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आना चाहिए यही था प्रोकल का डेफिनेशन तो वन हैज द नंबर वन और ओन प्रोकल वन ही होता है हम माइनस वन लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल प्रोकल माइनस वन ही होगा क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो वन एंड माइनस वन और देयर ओन रेसी प्रोकल जीरो हैज नो देर जीरो जीरो इज द रेसिप्रोकल जीरो कोई रेसिप्रोकल नहीं है ये और ये क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ ए ए का एन बाइ ए जस्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल में ए को हम लोग ए बाय वन भी लिख सकते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर दो आपको रेसिप्रोकल मिल जाएगा तो ए का रेसिप्रोकल वन बाई ए वन बाय ए का रेसिप्रोकल प्रोकल जस्ट इंटरचेंज कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो ए आएगा ए द रेसिप्रोकल प्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव कोई दो बाय नाइन है यह पॉजिटिव है इसका रेसिप्रोकल प्रोकल इंटरचेंज केवल होता है साइन से मतलब हमें नहीं होता तो पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है एंड निगेटिव का निगेटिव होता है फिर से क्वेश्चन सेम टाइप का ही है आर रेशनल नंबर एसोसिएटिव आर अंडर डिवीजन, डिवीजन के अंदर क्लोज होता है नहीं किस केस में जब हम लोग डिवाइड करेंगे जीरो से जीरो से कोई भी नंबर को टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई जीरो करेंगे तो ये अनडिफाइंड है अनडिफाइंड है इसलिए ये क्लोज नहीं होता ऑलवेज आर रेशनल नंबर ऑलवेज कॉमी नो आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव नो कैन वी डिवाइड वन बाई जीरो वन को जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा आई डोंट थिंक वी नीड एनी डिस्कशन हेयर कोई सा भी दो पॉजिटिव नंबर ले लो आप वन बाई टू इन टू थ्री बाई फोर इज इक्वल टू थ्री बाय एट ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव ही होगा पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है पॉजिटिव को निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव आता है निगेटिव को निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ऑल दैट right? यही केस है तो पॉजिटिव रेस्टन नंबर और निगेटिव पॉजिटिव रेस्टन नंबर और निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा यह क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये भी ये भी प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेसिप्रोकल इज वन ये तो इसका थ्योरी ही है टू बाई थ्री इसका रेसिप्रोकल थ्री बाई टू प्रोडक्ट निकालेंगे वन ये भी डिस्कस कर चुके हैं यह भी कर चुके हैं इफ ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी B का रेसिप्रोकल अगर A है तो A का रेसिप्रोकल B होगा देखो वन बाई टू का रेसिप्रोकल टू टू का रेसिप्रोकल मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा तो ये वन बाई टू तो रेसिप्रोकल जो है एक दूसरे का क्या है वो इन वर्स सॉरी जस्ट इन वर्स कर दो वो आ जाएंगे द नंबर जीरो इज नॉट द रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ वन बाई ए वन बाई ए का रेसी प्रोकल मतलब क्या है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज तो ए बाय वन इज इक्वल टू ए सेवनटीन इंटू ट्वेल्व टू द पावर माइनस वन पावर जो है माइनस वन में है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग सेवनटीन टू द पावर माइनस वन इंटू टू द पावर माइनस वन अगर ए टू दावर बी एम है तो ए टू दावर एम इंटू बी टू दावर एम होता है ओके okay? एडिशन करना है इक्वेशन सिंपल है थ्री बाय फोर प्लस माइनस थ्री बाय फाइव इसको एडअप करना है तो एडअप करने के लिए क्या करते हैं हम लोग एल लेते हैं फाइव और फोर का एल सी एम ट्वेंटी फोर फाइव फिफ्टीन प्लस दिस विल बी माइनस फिफ्टीन दिस इज ट्वेल्व दिस इज ट्वेल्व इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस माइनस इंटू में है प्लस माइनस माइनस होता है माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू थ्री बाई ट्वेंटी ओके माइनस सिक्स बाई इलेवन प्लस माइनस फोर बाय इलेवन इलेवन इसका एल सी एम होगा माइनस सिक्स प्लस माइनस फोर माइनस सिक्स प्लस इंटू माइनस से तो ये माइनस होगा माइनस फोर बाय इलेवन इज इक्वल टू माइनस टेन बाई इलेवन समथिंग रॉन्ग इज एयर ओके माइनस फाइव बाई सिक्सटीन प्लस सेवन बाई ट्वेंटी फोर दोनों को एलसीएम लेंगे सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फोर डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है टू एट ट्वेल्व टू फोर सिक्स टू टू थ्री टू फोर एट सिक्सटीन फोर्टी एट माइनस फिफ्टीन आएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा फोर्टीन देअ फोर माइनस फिफ्टीन प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर्टी एट सी एटीन एंड ट्वेंटी सेवन का सी लेंगे सेवन अपॉन माइनस एटीन प्लस एट अपॉन ट्वेंटी सेवन देखो इस क्वेश्चन में क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ये होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए क्या चाहिए ये प्लस एट बाय ट्वेंटी सेवन ये, ये क्यों आ गया माइनस सेवन के साथ लेट सी दिस इज सेवन बाई माइनस एटीन अगर हम लोग इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा न्यूमरेटर में और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है अगर माइनस कहीं भी देखे डिनोमिनेटर में भी दिख रहा तो आप उसे डायरेक्टली न्यूमिनेटर में ला सकते हो हाँ तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे किसका एटीन 27 ट्वेंटी सेवन का सिक्स नाइन टू थ्री एटीन आएगा फिफ्टी फोर आएगा एलसीएम फिफ्टी फोर माइनस ट्वेंटी वन सिक्सटीन दैट इज माइनस फाइव बाई फिफ्टी फोर आई होप एलसीएम सबको आता है ओके एलसीएम सबको आता है और ये माइनस और प्लस का केस जो है आई आई एम थिंकिंग दैट यू नो वेरी वेल कि ये माइनस क्यों आ गया देखो ट्वेंटी वन और सिक्सटीन में ग्रेटर कौन सा है ट्वेंटी वन है ग्रेटर तो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन लगा होता है वही साइन हम यूज करते हैं अगर माइनस और प्लस का केस है तो अगर दोनों नंबर माइनस है तब तो हम लोग माइनस ही यूज करते हैं प्लस के केस में दोनों प्लस प्लस हो तो प्लस ही होता है एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो जो नंबर ग्रेटर है वही रिजल्ट के साथ वही साइन आता है 1 बाई माइनस ट्वेल्व इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा माइनस वन बाई टू बाई माइनस थ्री फिफ्टीन इसका स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस टू बाईन दोनों को अप करना है एलसीएम 60 आएगा जस्ट डू इट बाय योर सेल्फ ये माइनस फाइव आएगा प्लस माइनस एट दिस इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस एट अपॉन सिक्सटी ओके तो ये आंसर गलत है यहाँ पर दिया हुआ बी डिनोमिनेटर में वन हो, तो होगा अब वन और फोर का एलसीएम लेंगे तो फोर आएगा फोर टाइम्स माइनस फोर प्लस थ्री दोनों करेंगे तो वन बाय फोर अब बताया था मैंने फोर और थ्री में ग्रेटर कौन है फोर है फोर के साथ क्या है निगेटिव नंबर निगेटिव साइन देर फोर यहां भी निगेटिव आएगा ठीक है माइनस वन कैन डू इट यार टू एंड माइनस फाइव बाई फोर टू प्लस माइनस बाय माइनस फाइव बाय फोर डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो वन हम लोग इसे एज्यूम कर सकते हैं यहां पे इसका एलसीएम लेंगे वन एंड फोर का फोर फोर एट प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस माइनस देखो इनटू में है ना यहां पे इसलिए प्लस माइनस माइनस हम बोल रहे हैं प्लस प्लस रहता तो प्लस ही होता एट माइनस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू थ्री बाई फोर ये प्लस माइनस के, के केस में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें आस्क डॉट में जरूर पूछो वी आर वी विल पर्सनली हेल्प यू ओके क्योंकि आगे जो भी है आपका कैलकुलेशन वो गलत हो जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी भी रहेगी क्वेश्चन को समझने के लिए लेकिन गलत करोगे आप कैलकुलेशन में जीरो प्लस माइनस टू बाई फाइव है यहां हम लोग वन ले सकते हैं वन एंड फाइव का एलसीएम फाइव फाइव टाइम्स लेकिन जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस 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 टू बाई फाइव विल बी आवर आंसर सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है इसमें थोड़ा सा टेक केयर करना है देखो मिस्टेक्स कहां पर होते हैं वो देखो सब्ट्रैक्ट करना है माइनस बाई बाय सिक्स माइनस वन थ्री ये क्या मैंने सही लिखा या फिर ये सही है वन बाई थ्री माइनस माइनस फाइव बाई सिक्स विच वन इज करेक्ट देखो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वन बाई थ्री से वन बाई थ्री से सब करना है ना कि माइनस फाइव बाई सैक्ट करना इसलिए ये गलत है ये सही है वन बाई थ्री से सब किया माइनस फाइव बाई सिक्स अब हम लोग क्या करेंगे एल लेंगे सिक्स एल आएगा यहाँ टू आएगा यहाँ माइनस यहां पर माइनस ऑफ फाइव माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू सेवन बाय सिक्स सिमिलरली यहां पर क्या होगा माइनस थ्री बाय फाइव से सब करना है माइनस एट बाय नाइन को देखो वन वन थिंग मोर आप लोग लिखने का तरीका कॉपी में सुधारो माइनस एट बाय नाइन माइनस एन किसके साथ है एट के साथ तो एट माइनस साइन फिर जो है एग्जेक्टली exactly इस लाइन के साथ में लिखो तो मिस्टेक्स होने के चांस नहीं रहेंगे फिर माइनस थ्री बाय फाइव सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग हालांकि ये गलत स्टेटमेंट होना चाहिए था माइनस थ्री बाय फाइव अगेन माइनस माइनस एट बाय नाइन लिखने पर भी ध्यान देना ओके okay? हाँ तो अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे LCM विल बी फोर्टी फाइव फाइव नाइन माइनस ट्वेंटी सेवन आएगा यहाँ पे एंड दिस की माइनस है यहाँ पे फाइव माइनस फोर्टी दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस फोर्टी अपॉन फोर्टी फाइव दिस इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन फोर्टी फाइव अब देखो फोर्टी और ट्वेंटी सेवन में ग्रेटर कौन सा है फोर्टी है फोर्टी के साथ क्या साइन है प्लस इसलिए यहाँ पर प्लस आया है कोई साइन ना हो इसका मतलब प्लस ही होता है वन से सब्ट्रैक्ट करना है वन से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस नाइन बाई सेवन को डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वन हम लोग लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखेंगे तो वन बाय वन इसके सामने माइनस माइनस नाइन बाई सेवन एलसीएम लेंगे तो सेवन आएगा सेवन आ जाएगा ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी माइनस ऑफ माइनस नाइन दिस इज सेवन सेवन माइनस नाइन ओके सेवन प्लस नाइन बाय सेवन इज इक्वल टू सिक्सटीन बाय सेवन ठीक है इसका आंसर सिक्सटीन बाय सेवन होगा ये नहीं होगा एक्चुअली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन ये था माइनस नाइन बाई सेवन फ्रॉम माइनस वन तो इसको कैसे बनाएंगे माइनस वन से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस नाइन बाई सेवन को तो यहां पर वन लिख सकते हैं तो अब इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखेंगे माइनस वन बाय वन माइनस माइनस नाइन बाय सेवन एलसीएम लेंगे सेवन ये ऊपर में माइनस सेवन आएगा माइनस माइनस ऑफ नाइन माइनस सेवन प्लस नाइन बाई टू माइनस माइनस प्लस नाइन में से सेवन के टू बाई यहां सेवन है टू बाय सेवन विल बी आवर आंसर ठीक है क्वेश्चन ये था जिसका आंसर ये गिवन था ओके ये खुद से बना सकते हो ट्राइट इट बाय योरसेल्फ कोई टफ नहीं है माइनस सिक्स बाय फाइव माइनस सिक्स बाय फाइव से सब्रैक्ट करना है माइनस थर्टी टू बाई थर्टीन इसका एलसीएम आएगा क्या सिक्सटी फाइव सेवेंटी एट माइनस सेवेंटी एट आएगा एंड दिस माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखा मैंने अब ये थर्टी टू इंटू फाइव क्या आएगा वन सिक्सटी माइनस साइन है माइनस साइन तो दिस इज इक्वल टू माइनस सेवनटी एट प्लस वन सिक्सटी अपॉन सिक्सटी फाइव दिस इज इक्वल टू साइन प्लस नहीं लिखा जाता कोई साइन ना हो तो इसका मतलब ही होता है कि ये प्लस साइन है यहां पे. ठीक है दिस विल बी आवर आंसर माइनस फोर बाई सेवन से सब्ट्रैक्ट करना है हमें सेवन को डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन एज्यूम कर सकते हैं हम लोग सेवन एलसीएम आएगा सेवन माइनस आएगा सेवन सेवन फोर्टी नाइन दिस इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फोर्टी नाइन बाय सेवन फोर्टी नाइन माइनस फोर इज इक्वल टू फोर्टी फाइव बाय सेवन ओके ये आंसर गलत है यहाँ पर फोर्टी फाइव बाई सेवन होगा माइनस थ्री बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव इज ए रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर को हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है लेकिन ये क्यू जो है वो ट्वेंटी होना चाहिए क्यू क्या है डिनोमिनेटर वो ट्वेंटी होना चाहिए इट मींस इट शुड बी पी बाय ट्वेंटी तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या किया जाए p का वैल्यू क्या होना चाहिए ओके okay. अब देखो ये 20 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये 20 हो गया अब न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये माइनस ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है ट्वेंटी ओके okay? तो देखो क्या किया मैंने डिनोमिनेटर में क्या करना था ट्वेंटी करना था अब डिनोमिनेटर ट्वेंटी करने के लिए डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर से मल्टीप्लाई किया तो अकॉर्डिंग टू द प्रोपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर वी सुड मस्ट मल्टीप्लाई इन द न्यूमिनेटर ऑल्सो विद द सेम नंबर यह मैंने पढ़ा था ना ए बाई बी अगर कोई रेशनल नंबर है और एम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रह जाएगा अगर हम डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा दिस इज द प्रॉपर्टी पढ़े थे तो तीन प्रॉपर्टी पढ़े थे उसी में से एक ये प्रॉपर्टीज़ है ओके okay? अब अगर थर्टी हमें डिनोमिनेटर में करना है माइनस थ्री बाई फाइव रेशनल नंबर है थर्टी करना है माइनस थर्टी करना है हमें डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी माइनस सिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आएगा ये तो माइनस थर्टी आ गया ये माइनस माइनस प्लस और सिक्स इंटू थ्री एटीन विल बी माय आंसर देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी बना सकते थे क्या तो था माइनस थ्री बाई फाइव था इसमें क्या करना डिनोमिनेटर में ट्वेंटी करना है ट्वेंटी कर दिए अब पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें क्यू तो मालूम ही क्यू तो ट्वेंटी है पी इससे निकल जाएगा पी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस थ्री इन टू ट्वेंटी अपॉन फाइव फोर पी आ गया माइनस ट्वेल्व तो देर P पी बाय क्यू क्या होगा पी माइनस ट्वेल्व एंड क्यू ट्वेंटी ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बना सकते हो आप इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे बनाना चाहते हो एक्सप्रेस माइनस फोर्टी टू बाई नाइनटी एट एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर सेवन देखो माइनस फोर्टी टू बाई नाइन्टी एट को हमें एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में पी बाई क्यू में वेयर क्यू सुड बी इक्वल टू सेवन क्यू शुड बी सेवन दैट इज पी बाय सेवन दिस एम्प्लाइज इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेवन इन टू माइनस फोर्टी टू अपॉन नाइनटी एट दिस इज इक्वल टू फोर्टीन एंड दिस इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री पी इज इक्वल टू माइनस थ्री देर फोर पी बाय क्यू पी इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू तो दिया हुआ है सेवन तो माइनस थ्री बाय सेवन हमारा आंसर हो जाएगा या फिर माइनस फोर्टी टू बाई नाइन्टी एट है हमें डिनोमिनेटर सेवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा फोर्टीन से जब हम डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा तो दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड दिस इज इक्वल टू सेवन कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करो या तो डायरेक्टली ये आप बनाओ या फिर ये बनाओ माइनस फोर्टी एट बाई सिक्सटी को एक्सप्रेस करना है इस तरह से कि डिनोमिनेटर आ जाएगा फाइव तो हमें पी फाइंड आउट करना है पी इज इक्वल टू माइनस फोर्टी एट इन फाइव अपॉन सिक्सटी दिस इज इक्वल टू ट्वेल्व दिस इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू माइनस फोर देयर फोर पी बाय क्यू इज इक्वल टू माइनस फोर क्यू तो दिया हुआ है फाइव माइनस फोर बाई आवर आंसर या फिर माइनस फोर्टी एट बाई सिक्सटी है डिनोमिनेटर फाइव करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा ट्वेल्थ से इसमें भी ट्वेल्व से डिवाइड करो दिस इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फाइव एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है इसे <coughs> स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हो तो अगर हम लोग माइनस ट्वेल्व बाई माइनस ट्वेल्व फॉर्म थर्टी है डिनोमिनेटर तो, पॉजिटिव होना चाहिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव है अब जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए इट मीन डिवीजर कॉमन डिवीजर जो है वो वन ही होना चाहिए दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का उससे ज्यादा और कोई नहीं होना चाहिए ओके तो हम लोग इसे सबसे पहले रिड्यूस से ये डिवाइड होगा से करेंगे तो माइनस सिक्स बाई फिफ्टीन फिर क्या कर सकते हैं थ्री से थ्री माइनस टू बाई फाइव अब देखो अब मैं हम लोग नहीं कर सकते इसे कुछ भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं कर सकते दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ओके तो माइनस टू बाई फाइव हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है माइनस फोर्टीन बाई नाइनटीन बाई फोर्टी नाइन हम लोग सेवन से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं टू टाइम्स एंड सेवन टाइम दैट इज माइनस टू बाई सेवन देखो है क्या हमें हाईएस्ट जो है ना फैक्टर लेना होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है जैसा फोर्टीन है फोर्टीन का फैक्टर क्या क्या होगा टू एंड सेवन सेवनटी नाइन का सेवन होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या सेवन ये है दोनों कॉमन है दोनों में और हाईएस्ट भी है तो सेवन से हम लोग डिवाइड करते हैं दिस इज इक्वल टू टू एंड दिस इज इक्वल टू सेवन माइनस साइन है ओके दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट तो हम लोग वही कर रहे हैं डायरेक्टली हमारा दिमाग अब इतना डेवलप हो गया है कि हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है एंड आई होप टेबल भी सबको याद है अगर आपको याद नहीं है तो याद करो ओके okay? डिनोमिनेटर क्या है इसमें माइनस है डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव करेंगे तो फोर बाय माइनस सिक्सटी फोर इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्सटी फोर अब हम लोग क्या कर सकते हैं एट से इसे डिवाइड कर सकते हैं अगर एट से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस थ्री आएगा और ये एट डिनोमिनेटर क्या होगा पॉजिटिव होगा वैसे भी ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन सिक्सटी थ्री इसको हम लोग थ्री से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं यस ट्वेल्व एंड दिस इज ट्वेंटी वन अब हम लोग थ्री से मल्टीप्लाई फिर से कर सकते हैं फोर अपॉन सेवन इससे सिंपल नहीं हो सकता सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ओके स्टूडेंट वी विल सी नेक्स्ट टाइप इन द नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू